दर्ज कराने वाले परवेज परवास के घर पर कुर्की का नोटिस किया गया चस्पा। रामगढ़ ताल और कैंट थाने की पुलिस ने राजघाट के तुर्कमानपुर स्थित घर के पास ढोल बजाकर मोहल्ले वालों को बताई फैज की करतूत। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह किया गया आयोजित। दीक्षांत समारोह में 11 छात्र और 11 छात्राओं को कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल द्वारा स्वर्ण पदक किया गया प्रदान। स्नातक और परास्नातक के 1119 छात्र और 400 छात्राओं को दी गई डिग्री। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में संभव कार्यक्रम किया गया आयोजित। लोगों की सुनी गई समस्याएं समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए दिशा निर्देश। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए गार्बेज फ्री सिटी अभियान के तहत इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 का मेगा इवेंट के रूप में चलाया जा रहा अभियान। नागरिकों को प्रतिदिन 2 घंटे सफाई करने और स्वच्छता की दिलाई गई शपथ। आयुष्मान भव अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड बनवाना अब बेहद हुआ आसान। सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। कहा BIS 2.0 पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी सहायक द्वारा स्वयं बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड। अब प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को आयुष्मान भव अभियान के तहत आयुष्मान मेले में होगी टीबी जांच। CHO की मदद से कराएं टीबी जांच, घर के नजदीक मिल जाएगा संपूर्ण। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावां, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, मैं हूं मनोरमा, आप देख रहे हैं गोरखपुर न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर के घटनाक्रम पे। गोरखपुर में वर्ष 2007 में हुए दंगे के दौरान तत्कालीन सदर सांसद योगी आदित्यनाथ सहित अन्य जनप्रतिनिधियों पर फर्जी केस दर्ज कराने वाले परवेज परवाज के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। ये कार्रवाई परवेज के बेटे फैज पर दर्ज केस में की गई है। लूट, बलवा, आपराधिक साजिश के केस में वह 4 साल से फरार चल रहा है। रामगढ़ ताल और कैंट थाने की पुलिस ने राजघाट के तुर्कमानपुर स्थित घर के पास ढोल बजाकर फैज की करतूत को मोहल्ले वालों को बताया और नोटिस चस्पा किया। परवेज परवास को कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है, वह जेल में बंद है। आपको बता दें कि घर में घुसकर मारपीट, लूट की घटना की गई है। इस मामले में कैंट थाने में 2019 में 365, 452, 392, 347, 506, 120B की धारा में केस दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी फैज फरार चल रहा है। पुलिस ने उसकी तलाश में कई जगह दबिश दी, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर न्यायालय में अर्जी दी थी। CJM गोरखपुर कोर्ट से 82 का नोटिस हासिल करने के बाद रामगढ़ ताल और कैंट पुलिस राजघाट इलाके में तुर्कमानपुर में परवेज के पुत्र फैज के घर पहुंची, आसपास के घरों के सामने मुनादी की और फिर उसके घर पर नोटिस चस्पा किया। पुलिस के मुताबिक जल्द हाजिर न होने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर, जो थाना कैंट जनपद गोरखपुर के मुकदमा अपराध संख्या 679/2019 धारा 365, 452, 392, 347, 506, 120B में अभियुक्त है और लगातार फरार है, जिसके खिलाफ
माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू व 82 सीआरपीसी कार्रवाई की जा चुकी है, जो माननीय न्यायालय में अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है, ना ही पुलिस के समक्ष अभी तक आत्मसमर्पण किया है और लगातार फरार चल रहा है, जिसके खिलाफ माननीय न्यायालय सीएम महोदय गोरखपुर द्वारा 4/9/2023 को 82 सीआरपीसी कार्रवाई की गई है, जिसको अभियुक्त के घर चस्पा किया गया है। अगर अभियुक्त 30 दिवस के अंदर माननीय न्यायालय या पुलिस के समक्ष अपने आप को समर्पण नहीं करता है तो उसके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों की एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह मंगलवार को आयोजित हुआ। अध्यक्षता कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने की। मुख्य अतिथि ITI लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक राजेश राय रहे। राजेश राय 1992 बैच के पुरातन छात्र हैं। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 11 छात्र और 11 छात्राओं को कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल द्वारा स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इनमें 19 छात्र छात्राएं अपने विभागों के टॉपर हैं। 3 को प्रायोजित पदक प्रदान किया गया। स्नातक और प्रस्नातक के 1119 छात्र और 400 छात्राओं को डिग्री दी गई। कुल 29 शोधार्थियों को शोध उपाधि दी गई। आपको बता दें, दीक्षांत में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की ओर से कुल 42 स्वर्ण पदक वितरित किए गए। इनमें 1 कुलाधिपति पदक, 19 कुलपति पदक, 22 प्रायोजित स्वर्ण पदक वितरित किए गए। सिविल इंजीनियरिंग के छात्र संदीप BTech के ओवरऑल टॉपर बने हैं। संदीप को सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक मिले। सिविल इंजीनियरिंग की छात्रा वैष्णवी सिंह BTech में ओवरऑल गर्ल्स टॉपर बनी हैं। नागरिकों की सुविधा के लिए हर मंगलवार को सुबह 10 बजे से नए सदन भवन में जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में संभव कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम के सभी अफसर मौजूद रहे। नगर निगम की ओर से आयोजित संभव कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना गया एवं निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया गया। इस संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि जन सुनवाई में भवन नामांतरण, नाली एवं सड़क मरम्मत व भुगतान कराने संबंधित मामले सामने आए हैं।
संबंधित विभाग के अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को संभव दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत नगर निगम के सारे अधिकारीगण, सारे विभागों के अधिकारीगण बैठते हैं और नगर निगम के जितने भी नागरिक हैं वो अपनी यहाँ पे आके समस्याओं का समाधान तुरंत ही करते हैं और संबंधित विभाग को, जो भी जिस विभाग से संबंधित होता है, उसको मार्क कर दिया जाता है, कुछ समस्याओं को मौके पर निस्तारण कर दिया जाता है। तो इसी क्रम में आज संभव दिवस का आयोजन किया। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए गार्बेज फ्री सिटी अभियान के तहत इंडियन स्वच्छता लीग 2.0 का मेगा इवेंट अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि गार्बेज फ्री सिटी अभियान का शुभारंभ गोरखपुर ज्वाइंट टीम के कप्तान मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व ब्रांड एम्बेसडर सांसद रवि किशन शुक्ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर सभी वार्डों में स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है, जिसमें नागरिकों को प्रतिदिन 2 घंटे सफाई करने और स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने जनपद वासियों से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए गार्बेज फ्री सिटी अभियान का हिस्सा बनकर गोरखपुर को नंबर 1 बनाने की है। भारत सरकार के द्वारा, महुआ मिनिस्ट्री के द्वारा इंडियन स्वच्छता लीग सीजन 2 की शुरुआत हुई है। 17 सितंबर को इसका पूरे देश भर के सभी शहरों में इसका उद्घाटन हुआ था। यहाँ पर हमारे नगर निगम के जो गोरखपुर जायंट्स की टीम है, उसके हमारे कैप्टन माननीय महापौर जी और हमारे जो नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर हैं माननीय सांसद रवि किशन शुक्ल जी, उनके द्वारा स्वच्छता सीजन 2 का शुभारंभ किया गया। माननीय सांसद जी ने रामगढ़ ताल नौका विहार पे इसका शुभारंभ किया। प्लॉग रन, मानव श्रृंखला और मैसेजिंग के जरिए इंडियन स्वच्छता लीग की शुरुआत की। वहीं माननीय महापौर जी के द्वारा भी गोरखनाथ मंदिर कैंपस के अंतर्गत प्लॉग रन, स्वच्छता संदेश और मानव श्रृंखला के तौर पर इसकी शुरुआत की। साथ ही साथ 17 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इंडियन स्वच्छता लीग के गोरखपुर जायंट्स की कैप का और टी शर्ट का भी उद्घाटन किया गया, अनावरण किया गया। इंडियन स्वच्छता लीग का पर्पस शहरों को गार्बेज फ्री सिटी के तौर पर प्रस्तुत करना है और ISL सीजन 2 में हम गोरखपुर शहर को गार्बेज फ्री सिटी के तौर पे हम प्रस्तुत कर पाएँ, साथ ही साथ सभी नागरिकों को इससे जोड़ पाएँ, अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करा पाएँ, अधिक से अधिक लोगों को बता पाएँ कि शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने में अपना योगदान दें, घरों से निकला हुआ गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को अलग अलग रखें और नगर निगम के द्वारा जो दी जा रही गाड़ियाँ हैं उन्हीं में कूड़ा फेंकें, नाली में, सड़कों पर कूड़ा अपना ना फेंकें, शहर को साफ रखने में, सुंदर रखने में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपील है, सभी गोरखपुर वासियों से उस अपील को समझें, सुनें और उस पर कार्रवाई करें, अनुपालन करें, ताकि हम शहर को, अपने शहर को एक देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने में योगदान दे पाएँ। तो इसीलिए इंडियन स्वच्छता लीग की शुरुआत की गई। सभी लोगों 2 अक्टूबर तक इसके कार्यक्रम चलेंगे, अलग अलग तरीके के इवेंट चल रहे हैं, चाहे स्कूली छात्राओं के साथ हो, स्कूली छात्रों के साथ हो, कॉलेज के हमारे जितने भी यूथ हैं उनके साथ हो, हमारे NGO सिविल सोसाइटी हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी को साथ लेकर एक बेहतरीन वातावरण बनाने के प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक गोरखपुर वासी नगर निगम के इस कार्य में सहयोग करें और शहर को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहाँ पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। आयुष्मान कार्ड बनाने का सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के मौके पर फिर एक बार शुरू हो गया है। तीसरे चरण में कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है। सरकार ने पहले और दूसरे चरण की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए तीसरे चरण में खुद से रजिस्ट्रेशन का विकल्प देने का फैसला किया है। आपको बता दें, सेल्फ रजिस्ट्रेशन मोड में लाभार्थियों के पास वेरिफिकेशन के लिए OTP, आइरिस और फिंगरप्रिंट और फेस आधारित वेरिफिकेशन विकल्प होंगे।
रजिस्ट्रेशन घर बैठे स्मार्टफोन के जरिए हो सकेगा। लोगों को इसके लिए मोबाइल फोन पर आयुष्मान कार्ड ऐप का इस्तेमाल करना होगा। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जरूरी डॉक्यूमेंट समेत अन्य जरूरी डिटेल यहां देख सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कर दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार फ्री में लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज की सुविधा मिलती है। इसके लिए लाभार्थी के नाम आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड की मदद से लाभार्थी योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में अपना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा, आयुष्मान आपके द्वार 3 एक नया वर्जन लॉन्च किया गया है। इसके तहत आयुष्मान भव जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम जो है राष्ट्रपति महोदया ने 13 तारीख को प्रोग्राम लॉन्च किया है, 17 तारीख से ये रन कर रहा है। इसके तहत अब यह अधिकार जो है किसी को दिया गया है कि वह ऐप प्ले स्टोर से ऐप लॉन्च डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति पात्र गृहस्थी का कार्ड अपने स्वयं बना सकता है। इसमें पात्र गृहस्थी में जो 6 या 6 से अधिक सदस्य जिस परिवार में हैं वह व्यक्ति और जिसका राशन कार्ड का नंबर डाल करके और जो उसमें का आधार लिंक और मोबाइल लिंक आधार से मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस नंबर पर OTP जाएगी, उससे सत्यापित करके कोई भी व्यक्ति बना सकता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करूंगा कि वे सभी लोग अपना अपना राशन कार्ड का नंबर और उस पर जो है मोबाइल नंबर जो लिंक है उस मोबाइल नंबर की OTP से स्वयं बना सकते हैं या कहीं किसी से पढ़े लिखे व्यक्ति से स्वयं बना सकते हैं। इस नंबर को और इसकी पूरी विधि को हमने आप लोगों के बीच में सर्वसुलभ उपलब्ध कराया। टीबी उन्मूलन में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन पर तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के सहयोग से घर के नजदीक टीबी की जाँच कराई जा सकती है, वहीं से संपूर्ण इलाज भी संभव है। जिले के 486 HWUC पर तैनात कुशल और प्रशिक्षित CHO के स्तर पर बलगम कलेक्शन कर जांच और TB की पुष्टि होने पर इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। ये सुविधा प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को HWUC पर आयोजित आयुष्मान मेले में भी दी गई। ये जानकारी जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव ने दी। जिला क्षय रोग अधिकारी ने बताया कि अब आयुष्मान भव अभियान के तहत भी TB जांच में CHO की भूमिका बढ़ा दी गई है। माह के प्रत्येक दूसरे शनिवार को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला लगेगा, जिसमें TB के संभावित मरीजों की भी स्क्रीनिंग कर उनकी जांच कराई जाएगी। अगर किसी को 2 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी, शाम को पसीने के साथ बुखार, बलगम में खून आने की समस्या, सीने में दर्द, भूख न लगना, तेजी से वजन गिरने जैसे लक्षण हैं, तो उसे TB की जांच अवश्य करवानी चाहिए। जांच में TB की पुष्टि होने पर न सिर्फ इलाज किया जाता है बल्कि पोषण युक्त खान पान के लिए मरीज के खाते में इलाज चलने तक 500 रुपए प्रति माह भी दिए जाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव ने कहा, मैं डॉक्टर गणेश यादव जिला क्षय रोग अधिकारी आप लोगों से अपील करता हूँ कि यदि आपको 2 सप्ताह से ज़्यादा से खांसी हो, बुखार आ रहा हो, भूख नहीं लग रहा हो, वजन घट रहा हो, तो आप शीघ्रातिशीघ्र जितना कम समय में आप स्वास्थ्य केंद्र पर कहीं भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर आएं और जांच कराएं। विशेष करके हमारे HWC हेल्थ वेलनेस सेंटर जो 5000 पॉपुलेशन पर बना हुआ है, अभी हमारे जनपद में 486 हेल्थ वेलनेस सेंटर रनिंग पोजीशन में है। वहाँ पर हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल हैं, वहाँ जांच की सुविधा है, दवा भी आपको दवा की सुविधा है, ये सभी जांच और दवा उपचार ये निशुल्क सुविधाएं हैं। इसे आप हमें इसका यूटिलाइज करें। अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति को खांसी बुखार ये साइन सिम्टम बताया जा रहा है तो ज़रूर आएँ, अपना जांच कराएं और दवा भी लें। साथ साथ एक चीज़ और भी बताना चाहता हूं कि हर सेकेंड सैटरडे को महीने में जो दूसरा सप्ताह शनिवार होता है वहां पर विशेष करके मेला का आयोजन किया गया है, जो आयुष्मान भव
के तहत जो है ये आपको टीबी का जांच, अन्य जांच के साथ साथ टीबी का भी जांच होगी और दवा भी निःशुल्क वहाँ से दी जाएगी। इसलिए आप गोरखवासी, गोरखपुर वासियों को, सम्मानित लोगों को ये मैं अपील करता हूँ बार बार कि ये आप अपने जनपद को टीबी मुक्त करने में सहायता करें।